और भाई कैसे हो? तो यार आज मैं आपको रिपोर्ट लगाना बताऊंगा कि रिपोर्ट कैसे लगती है। ठीक है, तो मैं दो आईडी की रिपोर्ट लगाऊंगा। ठीक है, उसमें से एक आईडी उड़ेगी और एक नहीं उड़ेगी। अब वो जो उड़ेगी वो क्यों उड़ी वो भी बताऊंगा, और जो नहीं उड़ी वो भी बताऊंगा कि क्यों नहीं उड़ी। और जो फेसबुक पे लोग बोलते हैं कि एक रिपोर्ट में आईडी दफन, तो वो उसका मतलब क्या होता है मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो देखिए, ये वो आईडी है, इसका मैं आपको रिपोर्ट लगाऊंगा। तो इस पर दो रिपोर्ट लगाऊंगा, ओनली दो रिपोर्ट, और ये आईडी जस्ट नाव पे ही दफन हो जाएगी। तो देखिए, पहले मैं लगाता हूँ इसको फेक नेम वाली। ठीक है, तो चलिए मैं फेक नेम वाली ऑफ लगा देता हूँ सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी सारी रिपोर्ट लग रही है, तो देखिए फेक नाम वाली मैंने लगा दी सबसे पहले। ठीक है, अब इसके बाद मैं लगाऊंगा इसके बाद फेक अकाउंट वाली। ठीक है, तो ये देखिए रिसीव हो चुकी है उनको फेक अकाउंट वाली। ठीक है, अब मैं इसको दूसरी रिपोर्ट लगाता हूँ उसके बाद। ठीक है, यहीं की यहीं देखिए, तो देखिए थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ दूसरी रिपोर्ट भी लगाऊंगा मैं यहाँ पे। अब इसके बाद बताऊंगा कि ये आईडी क्यों जस्ट नाव पे उड़ी। देखिए, ये यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है, इसमें कुछ नहीं बचा है। देखिए, ये मेरी फॉलो लिस्ट में था ये बंदा। ठीक है, मैं दोबारा से जाता हूँ, देखो आपको दिखाता हूँ। अगर आपको नहीं लग रहा कि ये आईडी अगर डीसी कर रखी है, तो मैं आपको बताता हूँ कि देखिए बैग लेके चलता हूँ। ठीक है, और ये देखिए उसके बैग जाने पर भी कुछ नहीं हो रहा। देखिए, अब देखिए मैं बैग पे आ गया, और यही वो जो सबसे लास्ट में जो आईडी दिख रही है, यही वो आईडी है जिसको मैंने उड़ाया था। देखिए, तो ये उड़ चुकी है जस्ट नाव पे। ठीक है, अगर आप सर्च भी करते हो फेसबुक पे जाके, तो नहीं होगी सर्च, आप देख लेना अगर आप। ठीक है, अब अगली जो मैं रिपोर्ट लगाऊंगा ना इसके बाद, वो आईडी का मैं कितनी भी रिपोर्ट लगा लूं और किसी भी प्रकार की रिपोर्ट लगा लूं, वो आईडी नहीं उड़ेगी। ठीक है, तो चलो मैं उस आईडी का रिपोर्ट लगाता हूं दूसरी वाली का। चलिए चलते हैं। तो क्यूट सोना के नाम से मैं उस आईडी को रिपोर्ट लगाता हूं। ये आईडी हैक हो चुकी है, मतलब ये मेरी एक फ्रेंड है, उसकी आईडी थी, किसी बंदे ने हैक कर लिया। तो मैं चलिए इसकी रिपोर्ट लगाता हूं। ठीक है, तो मैंने इसकी आईडी पर रिपोर्ट लगानी चालू कर दी है। तो यार वो फेसबुक स्टैंडर्ड कम्युनिटी के कारण वो यहाँ पे दिखा नहीं कि वो कौन सा अकाउंट है। ठीक है, तो चलिए मैं उसकी रिपोर्ट लगाना चालू कर देता हूँ। ठीक है, तो जितने भी प्रकार से रिपोर्ट लगती है, सब प्रकार से मैं यहाँ पर रिपोर्ट लगा के दिखाने वाला हूँ। ठीक है, पर ये अकाउंट नहीं उड़ेगा। अब वो क्यों नहीं उड़ेगा मैं उसका अभी आपको बताऊँगा कि क्यों नहीं उड़ा ये अकाउंट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर काफ़ी सारी रिपोर्ट लगा देता हूँ। ठीक है, रिपोर्ट लगती चल रही है, तो मैं आपसे बात करता हूँ। अब मैं बताता हूँ कि ये पहली जो अकाउंट था, जो डेंजरस खिलाड़ी वाला, वो क्यों उड़ा। तो देखिए, वो जो अकाउंट था ना, उसमें कुछ कमी थी। ठीक है, अगर किसी भी अकाउंट में आपको पता है कि उस अकाउंट में नंबर ऐड नहीं है या फिर जीमेल ऐड नहीं है, तो आप किसी भी अकाउंट पे अगर आपको पता चल जाए कि इस अकाउंट में ये कमी है, तो आप उस अकाउंट का अगर रिपोर्ट मारते हो, भले ही आपकी नॉर्मल आईडी हो, ठीक है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आईडी की ज़रूरत नहीं है, आप उस आईडी से उसका रिपोर्ट मारोगे, तो दो रिपोर्ट में ही उसकी अकाउंट जो भी होगा वो जस्ट नाव पे उड़ जाएगा। ठीक है, दफन हो जाएगा बिल्कुल से। आप ट्राई करके देख सकते हो, मैं इस तरह हवा में बातें नहीं फेंक रहा हूँ, आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, ये किसी भी आईडी में अगर आपको पता है कि उस आईडी में ये कमी है, ठीक है, वो फेक नाम से बना के रखा है और उसके अंदर मोबाइल नंबर या जीमेल दोनों में से एक भी ऐड एक नहीं है ऐड और एक ऐड है, ठीक है, तो आप उसकी रिपोर्ट मारोगे तो उसकी 100% वो रिपोर्ट काम में आएगी और वो अकाउंट जस्ट नाव पे उड़ जाएगा। अब अगला जो अकाउंट है ना, जो सेकंड वाला, अब ये क्या है अकाउंट, इसके अकाउंट के अंदर देखिए, इस अकाउंट के अंदर मोबाइल नंबर भी ऐड है और जीमेल भी ऐड है, ठीक है, तो दोनों ऐड हैं, तो इस कारण ये आईडी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। इसके बाद भी ये आईडी वेरीफाई थी, ठीक है, इस अकाउंट के अंदर आधार कार्ड लगा हुआ था, तो ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। अब आप दो प्रकार की आईडी होती है, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग आईडी होती है और एक थोड़ी सी नॉर्मल आईडी होती है। तो मेरे पास जो आईडी थी, एक बहुत पहले दिव्यांश करके एक आईडी थी मेरे पास, दूसरी जिस पर मैंने बुरहान लगा दिया था, ठीक है, उस आईडी को अगर मैं किसी को भी लिंक दे दूँ या कुछ भी कर दूँ, ठीक है, तो वो अकाउंट को कोई उड़ा नहीं पाता था। लेकिन अगर उस अकाउंट से मैंने अगर किसी की रिपोर्ट को ज़रा सा टच भी कर दिया या फिर कोई नॉर्मल भी कुछ ज़रा सी भी कोई भी रिपोर्ट लगा दी, तो वो अकाउंट जस्ट नाव पे उड़ जाता था। वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अकाउंट होता था तो एक घंटे में उसकी मेरे को रिपोर्ट आ जाती थी कि ये अकाउंट
दफन हो चुका है। तो अब आपको यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा कि जस्ट नाउ पे आईडी कौन सी वाली उड़ती है, ठीक है। तो कई लोग आपको बताते नहीं कि कैसे उड़ी है जस्ट नाउ पे आईडी, बस आपको बता देते हैं, दिखा देते हैं कि ऐसे उड़ी, ठीक है। अगर वो आपको बताते नहीं है कि इसमें क्या वो था लॉजिक कि वो उसकी आईडी जस्ट नाउ पे उड़ी, तो मैंने ये लॉजिक बता दिया आपको कि अगर किसी भी फेसबुक आईडी में अगर कुछ भी कमी होती है और आप उसका रिपोर्ट करते हो तो फेसबुक टीम उसका रिव्यू करती है। अगर उसकी अकाउंट में थोड़ा सा भी अगर कोई उसमें लगता है कि हाँ, अगर ये बात एकदम राइट है, अगर आपको पता चल जाए किसी अकाउंट में फेसबुक आईडी में नंबर ऐड है और जीमेल ऐड नहीं है, ठीक है, तो आप उसका अकाउंट का अगर रिपोर्ट करते हो तो वो आईडी या तो सीधे कंफर्मेशन पर चलेगी या फिर उसकी जस्ट नाउ पर उड़ जाएगी, ठीक है। तो ये लॉजिक है यहाँ पे जस्ट नाउ पे आईडी उड़ने का। अब एक बात और है यहाँ पे कि जो सेकंड जो आईडी थी मैंने उसका रिपोर्ट लगाया, वो कैसे उड़ेगी, तो उसके लिए आपको देखिए आपको इस आईडी से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आईडी का यूज करना पड़ेगा। अब वो जो बोलते हैं ना कुछ लोग कि मैं किसी का भी अकाउंट उड़ा सकता हूँ, तो वो उन लोगों की जो आईडी है काफ़ी टाइम से चल रही है फेसबुक पर, वो काफ़ी टाइम से वो एक्टिवेट है, ठीक है। तो उस आईडी में क्या होता है कि तो क्या होता है उनके पास वेरीफाई और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आईडी होती है, तो वो अगर किसी की भी आईडी पे अगर रिपोर्ट करते हैं तो वो उसकी आईडी को रिपोर्ट करने पर उड़ा सकती है, भले चाहे अगर जस्ट नाउ पे नहीं उड़ेगी, लेकिन ये है कि वो कुछ भी रिपोर्ट मारे, अगर वो मैसेंजर रिपोर्ट भी मारते हैं तो आपकी आईडी दफन होने के चांसेस 99% हो जाते हैं, ठीक है। अब मेरे पास भी एक ऐसा अकाउंट था जिससे मैं उड़ा सकता था, लेकिन मैंने उस अकाउंट को क्या किया, मैंने एक दिन क्या हुआ था, थोड़ा सा मैं गुस्से में था तो मैंने उस पर बुरहान लगा दिया, ठीक है। अब जो बुरहान वाली बात आती है ना, तो बुरहान वाली बात मैं आपको कभी और बताऊँगा कि बुरहान वाला जो अकाउंट है आ सकता है कि नहीं आ सकता है, और जो रिमेम्बरिंग वाला अकाउंट है उसको भी लेकर मैं आपको एक दिन ये दोनों टॉपिक पे बात करूँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और लेटेस्ट वीडियो का अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर प्रेस कर देना। तो भाई अब ज़्यादा परेशान मत होना कि उस बंदे ने आईडी में बताया है या फिर यूट्यूब पे बताया है कि जस्ट नाउ पे आईडी उड़ती है, तो हाँ सच में उड़ती है, मैंने भी आपको क्लियर करके दिखाया है। लेकिन आपके आप जब लगाते हो वो जस्ट नाउ की आईडी रिपोर्ट तो नहीं लगती और नहीं उड़ती, तो यार इसके लिए आपको मैंने बता दिया कि क्या एल्गोरिथम लगता है और कैसे वो जस्ट नाउ पे आईडी उड़ती है, तो आपको अब समझ में आ चुका होगा। तो इस टाइप का लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए यार अपने भाई को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर ये जानना चाहते हो कि ये जो अकाउंट है ये वेरीफाई अकाउंट है वो उसको कैसे उड़ाते हैं, तो उसके लिए मैं आपको एक अलग वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आपको बताऊँगा कि जो वेरीफाई अकाउंट है उसको कैसे हम उड़ा सकते हैं, ठीक है। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई।